देखो वीडियो बनाने के बाद क्या हाल है मेरा, देख रहे हो? मतलब क्या बताऊँ तुम्हें। सो भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ भाई। देखो भाई, तुम्हारे भाई ने हेयर कट करा लिया भाई, क्या सीन कर लिया। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मतलब संभाले नहीं जा रहे थे भाई मेरे से बाल, तो मैं फटाफट सलून गया, हेयर कट करवा के आ गया बिना किसी आपको अपडेट दिए। एंड भाई एक और चीज़ बता दूँ, आज की वीडियो कति जहर होने वाली है, वीडियो को पूरा देख के जाना है एंड लाइक ज़रूर देखो, क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूँ अपने टी शर्ट कलेक्शन की वीडियो कि कौन से मेरे पास ब्रांड की टी शर्ट्स पड़ी हुई है, कितनी रेंज की है, क्या मैं ब्रांड की टी शर्ट पहन। तो मतलब आज के ना मतलब कति जहर टी शर्ट होने वाली है, ठीक है? मतलब टी शर्ट भी होने वाली है एंड मैं भी कति तैयार होने वाला, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, एक और बात भाई, ड्यू टू सम रीजन आई हैव रिलेटेड माय रीसेंट वीडियो, मैंने जो रीसेंट वीडियो अपलोड करी थी ना, पापा टीवी देख रहे हैं, उसको मैंने डिलीट कर दिया। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों डिलीट करी है। फाइनली यार, हमारा ये जो माउंट है ना, ये जुड़ गया भाई, बड़ी मुश्किल से इसको मैंने जोड़ा है। एंड तुम्हारे भाई ने ये लिया भाई बॉक्सर, सिर्फ 80 रुपए का है। नेक्स्ट वाली व्लॉग आएगा उसमें सब आपको पता लग जाएगा, बहुत ही तहलका व्लॉग है। एंड एक और चीज आपको बता दूं, मैंने अपने साइड में इस जगह मैंने होता क्या रखा है, अपनी टी शर्ट की कलेक्शन जो आपको मैं दिखाऊंगा, मतलब बहुत ही मजा आया आपको देखने में कि इतनी सारी टी शर्ट्स है फिर भी मैं 1 2 3 टी शर्ट क्यों पहनता हूँ, क्यों क्यों। एन अकाउंट ऑफ 3 2 1 टी शर्ट कलेक्शन। तो देख रहे हो गाइस कितनी सेक्सी लग रही है टी शर्ट कलेक्शन, यहाँ पे मैंने देखो बंडल बना दिया। देखो भाई, इसमें बहुत सारी पुरानी भी है जो मैं प्राइस अपना गेस करके बताऊंगा कितने की हो सकती है, एंड इसमें से एक दो ब्रांड भी हो सकती है वो भी बता दूंगा आपको। एंड इसमें से ना मेरे बड़े भैया की भी है एंड मेरे बीच वाले भैया की भी है एंड कुछ मेरी भी है, कुछ नहीं सारी भी मेरी है। क्योंकि देखो होता है ना, रिवाज होता है, बड़ा भाई जो पहनेगा फिर वो बीच वाला भाई पहनेगा, फिर वो बीच वाला जो पहनेगा फिर वो जब छोटे हो जाएंगे उसको तो छोटा वाला पहनेगा, तो मैं सबसे छोटा हूँ तो भाई पहन लेता, ठीक है ना। चलो अब इसमें से आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, पहले सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो फिर आपसे मिलता हूँ मैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एक करके टी शर्ट, ठीक है? तो ये जो आप टी शर्ट देख रहे हो ना, ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली मेरी फेवरेट है, तो इसलिए फेंकी नहीं मैंने। तो ये मैं जिम पहन के जाता था, जब मैं मोटा था ना तो पहन के जाता था, अब तो भाई बिल्कुल भी नहीं आती, जब पतले होंगे तो सोचेंगे। इसका मैं प्राइस बता नहीं रहा, शायद चीपेट भी हो सकता सस्ता भी हो सकता, इसका प्राइस मुझे पता भी नहीं है, भूल गया। इसका प्राइस मुझे पता है, ये है 500 की टी शर्ट एंड भाई इसका कपड़ा जेन्युइन है, बट अब मुझे आती नहीं है भाई, क्या करूँ। आप पिछली वाली मेरी वीडियोस उठा के देखो, ये ना टी शर्ट मेरे को बहुत अच्छी आती थी, अब नहीं आती। अब आते हैं थर्ड वाली पे, ये टी शर्ट ना भाई मेरी सेक्सी है, क्योंकि पता है ये बचपन की है, इस वजह से। ये पहले मेरे बड़े भैया ने पहनी, फिर बिचले भैया ने, फिर मैंने पहनी, ये बहुत सेक्सी टी शर्ट है। मतलब इसका कपड़ा A1 है, करीब करीब 10 साल हो गए इसको, बताओ अभी भी नहीं फटी। ये है ज़ारा, ज़ारा मैन ब्रांड की है, तो ब्रांड आप सोच ही सकते हो भाई, ये देख लो, ठीक है? ये देखो, ये ज़ारा की है टी शर्ट, ओरिजिनल है, ठीक है? इसका प्राइस मैं भूल गया कितने का, पर आप गेस कर सकते हो। ये टी शर्ट जो है ना, ये टी शर्ट बहुत ही सस्ती है, गांधीनगर में आपको देखने को मिल जाएगी। ये मुझे पड़ी थी 250 रुपये की एंड जो मैंने पहन रखी है ना, है ये बहुत ही, इसका जो कपड़ा है ना बहुत ही सेक्सी कपड़ा है, ठीक है? ये वाली तो भाई सबसे यूनिक कह रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा कपड़ा था। ये पड़ी मुझे 450 रुपये की, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, ठीक है? तो ये थी कुछ, अब एक चुटकी में सारे टी शर्ट्स को अलग किया। सेकेंड राउंड की बारी, तो भाई ये और ये वाली टी शर्ट ना मुझे कतई नहीं आती, मतलब ये इतनी प्यारी टी शर्ट लगती थी ना एक टाइम पे मेरे को, बट अब नहीं आती। एंड इनके मुझे, अब मैंने प्राइस नहीं बता रहा क्योंकि मैं मुझे सही नहीं लग रहा, प्राइस चीपेस्ट ही है बस इतना बता देता हूँ, ठीक है? एंड ये वाली टी शर्ट भाई इतनी सॉफ्ट है ना, जैक एंड जोन्स की, भाई बहुत ही सही कपड़ा है। तो अब जिसको भी चाहिए ना मुझे बताना, एक बार कमेंट करके मैं आपको दिलवा दूंगा। ये अब मैं अक्सर पहनते रहता, तो ये मुझे आती है, ये आती है बट मुझे पहनना सही नहीं लगता। एंड भाई ये वाली तो भाई कतई जहर है, देख रहे हो, ठीक है? मैं प्रेस नहीं करके रखता कपड़ों को, ठीक है? तो विनम हनुमान तो इन टी शर्ट्स की मैं कहानी बताता हूँ भाई। ये देखो, ये जो दो टी शर्ट देख रहे हो, ये ब्राउन एंड ब्लू वाली, ये दोनों बहुत अच्छी टी शर्ट है। ये है 450 रुपये की, मैं बताता हूँ। मैं जितनी भी टी शर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ ना जो वहाँ पे रखी हुई है, मात्र उनमें से 2 ही 3 ऐसी टी शर्ट्स होगी जो आई थिंक 600-700 की, वरना 500 से नीचे नीचे की है सारी, ठीक है? अब ये तो जो टी शर्ट्स है ये भाई डब्बे पैक में मिलती, बहुत ही प्यारी थी, बट भाई हम ना इतना मोटा हो गया तो ये टी शर्ट्स नहीं आती है। मतलब देख रहे हो तोंद देखो कैसे निकल रही है, ये देखो गंदी तोंद निकल रही है मेरी, बहुत ही गंदी भाई, मेहनत कर रहा हूँ, पसीने देखो टपक रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एसी बंद है, पंखा बंद है, पंखा थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इग्नोर करना उस चीज़ को। एंड भाई पिछले वाली वीडियो मेरी उठा के देखना, जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो गए उन दोनों को, उनको पता होगा कि मैं ये टी शर्ट पहनता था, ठीक है? ये वाली भी अभी पहनता हूँ। एंड इसकी कहानी सुनो, इसकी कहानी कुछ ऐसी है, ये मेरे बड़े भैया ने पहले पहनी, फिर बीच वाले भैया ने, फिर मैंने पहनी। एंड जब मैं पहनता था, जब जिम जाता था ना तब पहन के जाता था, एक्सरसाइज मारता था, क्योंकि बॉडी ना कती फाड़ के नजर आती थी, ठीक है?
ये लाए थे एसेंस है, ये पढ़ी थी आई थिंक 200-300 की थी, ये भी बहुत बढ़िया थी। तो ये है थर्ड राउंड की टी शर्ट्स, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। मतलब मेरे पास बहुत सारी है कि अलग अलग वीडियोस में पहन सकता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं, बट पहनता नहीं यार, ठीक है। अब बेटा 1, 2, 3 इन टी शर्ट्स की कुछ ऐसी कहानी है, कुछ इसमें से मेरी है एंड कुछ मेरे भाइयों की है। तो अब ये वाली जो टी शर्ट्स है, अब थोड़ी सी इसमें दाग लग गया था तो इसको मैं पहनना बंद कर दिया है। वो वाली टी शर्ट मैं होली के दिन पहनता हूँ मेनली, फिर उसको धोने के लिए दे देता हूँ, फिर वो साफ साफ हो जाती है। पिछले इस बार खोली थी, नहीं खेली थी शायद होली, ठीक है, खेली थी पर लेकिन मैंने पहनी नहीं, ठीक है। ये वाली बहुत ही प्यारी है, मतलब इनका कपड़ा ना बहुत ही अच्छा, फटता नहीं इतनी जल्दी। ये वाली टी शर्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारी, एंड ये वाली तो मेरी सेक्सी टी शर्ट है, मैं सही बता रहा हूँ, इसको कभी नहीं बेचूंगा। देखो साइडों से फट गई है, देख रहे हो, कभी नहीं बेचूंगा, ठीक है। एंड भाई एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ एंड मुझे कोई शौक भी नहीं है, बट इसमें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ अपने कि भाई मेरे पास कौन कौन सी टी शर्ट्स है। आपने अभी तक जितने भी ब्लॉगर देखे होंगे भाई बड़े बड़े, वो दिखाते हैं कि भाई हमारे बाबूची है, भाई ये है वो है, क्योंकि उनके पास है पैसा भाई, वो दिखाएंगे, ठीक है। हम अभी स्ट्रगलिंग लाइफ कर रहे हैं तो भाई हम जो है तो दिखाए रहे ना, चलो फिर देखो एंजॉय करो ना यार, ये कभी कभी एंजॉय करना चाहिए। हाँ आपको दिखा तो मेरी जिम की टी शर्ट्स, जो 2-3 है, ज़्यादा नहीं है। तो 1, 2, 3 तो ये है मेरी जिम की टी शर्ट्स, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। 1, 2, 3 इनमें से ये वाली नहीं आती तो ये पहनता नहीं बिल्कुल भी, वो वाली बहुत ही सेक्सी है तो जब मर्जी पहन के जा सकते हो, बट लेकिन गर्मी बहुत है कौन पहनेगा। एंड ये वाली है, ये वाली जैकेट कितने की, ये जरूर बता, ये जैकेट टाइप ही है, ठीक है, बताना। बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको रनिंग करके जाओगे ना पहनने के लिए, मज़े कुछ और है। ये वाली बताओ कितने की है, मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, तो आप तब तक उससे पहले पॉज करके आप बताना कितने की है। तो ये थी मेरी टी शर्ट कलेक्शन में वीडियो, मैंने बोला था लाऊंगा तो लाऊंगा, एंड भाई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे ना आदत नहीं शो ऑफ की, देख रहे हो पसीने, देख रहे हो कि मेहनत करता हूँ, मेहनत है, जिद है ये अपनी, ठीक है। तो भाई वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, एंड ज़्यादा लंबी नहीं खींचते वीडियो को, जितनी थी टी शर्ट्स मैंने सारी दिखा दी। अगर आपको इसमें से कोई भी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करना, आपको पोस्ट कर दूंगा, बहुत अच्छी है यार, एक बार पहन के देखना। अरे जस्ट किडिंग यार। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगेगा, प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर मार के जाना, एंड लाइक जरूर कर देना ताकि भाई मुझे मोटिवेशन मिले, ऐसे ही मैं गर्मी में वीडियो बनाता रहूँ ताकि आप लोग एंटरटेन रहे। एंड भाई मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पहले बता दो जो मेरे पास है वही दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं दिखाता। अब मैं यही वाली अगर मैं बोल दूँ कि 10,000 रुपये की है, 5,000 रुपये की, कोई फायदा नहीं, तो 100 रुपये की है, 100 रुपये की। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि भाई लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे, कि पता किस लगेगा डीप व्लॉगिंग वर्ल्ड में वीडियो डाल दिया। एंड भाई जिसने भी सब्सक्राइब करा होगा ना, ऑल का बटन दबा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ऑल का बटन दबा देना ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए टाइम टू टाइम, ठीक है, ताकि आप नोटिफिकेशन से पहली वीडियो देखो, बाकी तो आ ही जाती होगी आपके होम पेज में। एंड एक और चीज भाई, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, बट अभी कुछ दिनों से मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, देख रहे हो। एंड ये मैंने 80 रुपये की ली थी, ये देखो ये 80 रुपये की है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई चैनल नेम सजेस्ट करना, मैं सोच रहा हूँ कि चैनल का नाम चेंज कर दो, चैनल नेम मुझे सजेस्ट करना। एंड एक और चीज़ यार, क्या था वो, एक मेरे को याद कर दो, भूल गया, देखा मैं ऐसे होता हूँ, भूल जाता हूँ बड़ी सारी चीज़ें, मैं भूल जाता हूँ, बात तो बताऊँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ऐसे खुराफाती दिमाग से आइडिया से कंटेंट सोचते रहेंगे, एंड बस देखते हैं। अब जो बोलना चाहता था भूल गया, तो ये मतलब बताना भूल गया था आपको, मैं एंडिंग करना भूल गया, तो सॉरी, क्या बोले जा रहा हूँ भाई, कसम से मतलब गर्मी के कारण ना रुका नहीं जा रहा। भाई मिलते हैं नेक्स्ट से नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं। देखो वीडियो बनाने के बाद क्या हाल है मेरा, देख रहे हो, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें, ये बंद करी, देखो कैमरा भी मतलब सजेस्ट नहीं है कि भाई कैसे क्या क्या बोल रहे हैं। ये पकड़ी सारी टी शर्ट, ठीक है, सीधा अलमारी के अंदर सुबह डालूंगा इसको, भाई इसको सुबह करेंगे, सुबह करेंगे इसको। हालत देखो कि ये देखो, हालत देखो कि सबसे कितनी गंदी है मेरे, ये मेरे सारे कपड़ा है नीचे, अरे मेरी नई जीन्स है, इसको मैंने अभी तक नहीं पहनी,